हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतिभा और मैं आज आपके लिए फिर से एक नया और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूं, जो बच्चों की स्टडी को लेके है। और हम बच्चों की स्टडी को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, सिंसियर भी होते हैं और डेडिकेट भी रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं और उनको पढ़ने में हमेशा दिक्कत बनी रहती है किसी ना किसी वजह से। तो आज हम पांच ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो आपके बच्चे को स्टडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इन्हें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए इन बातों को लेकर। हम बच्चों को थ्री ऐसे वर्ड मैं आपको आज बताऊंगी जो बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेन रोल पुटअप करते हैं। जब फर्स्ट है जैसे कि हम, जी हाँ, तीन ऐसे वर्ड कौन से हैं वो, तो मैं आज आपको बता रही हूँ कैसे, कहाँ और किसके साथ। ये तीन ऐसे मैजिक वर्ड हैं जिनको उनको पढ़ाई के टाइम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। तो हम बच्चों को पढ़ाई कैसे करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ये बच्चों को हम कहाँ पढ़ाई करा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और फिर इस एटमोसफेयर में हमें बच्चों को स्टडी करानी है जिससे वो अपना पढ़ने में बहुत अच्छा ध्यान देंगे। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं कि ये टॉपिक किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है या किस तरीके से हम अपने बच्चों को ध्यान दे सकते हैं। जब भी हम बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही थॉट आता है कि हम अपने बच्चों को कहाँ पे लेके पढ़ाएं जहाँ पे हमें वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो और बच्चे हमारे कंटिन्यू आराम से पढ़ाई कर सकें और उन्हें कोई भी आवाज़, कोई भी किसी भी तरीके के टीवी या इस तरीके के म्यूजिक से थोड़ा ऐसी जगह हम चूज करते हैं जहाँ पे वो कंसेंट्रेट होकर पढ़ाई कर सकें। तो पढ़ाई हम कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं, ये चीज़ें हम दोनों के लिए मैटर करती हैं। क्योंकि अगर हम सही से, मैं ही नहीं कंफर्टेबल हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैं भी कहीं ना कहीं उन पर सही से नहीं ध्यान दे पाऊंगी। तो हमें ये भी देखना है कि हम जहाँ बैठे हैं वो जगह कैसी है, कंफर्टेबल है कि नहीं है, इन्हीं सब बातों को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बच्चा अगर हमारा बैठा है तो वो जमीन में बैठ के हम पढ़ाई करा रहे हैं कि इस पे कुर्सी, चेयर या टेबल पे बैठ, हम चेयर का यूज़ कर रहे हैं। तो जब बच्चे को अगर आप जमीन पे बैठ के पढ़ाई कराती हैं तो प्लीज़ आप उसको बच्चे को जमीन पे बैठ के पढ़ाई ना करें, क्योंकि बच्चा जब जमीन पे बैठ के स्टडी करता है तो वो झुकता है आगे की तरफ, वो ब्लेंड होता है जिससे उसकी बैक में जो है बहुत पेन होता है। बैक में जब पेन स्टार्ट हो जाता है तो वो फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, वो हमेशा मूवमेंट करता ही रहता है इधर उधर और वो पढ़ाई से जी चुराने के बहाने ढूंढता है। क्योंकि उस समय उसको ना, और फिर ये भी कह सकता है आपसे कि मम्मा मैं बैठे बैठे थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा खड़ा हो जाऊँ या मम्मा मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँ या ये कर लूँ या मैम प्लीज मम्मा थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए। तो इस तरीके की वो बातें तभी कहता है जब उसे अनकम्फर्टेबल फील होता है, जब वो बैठा पढ़ाई कर रहा होता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको एक स्टडी टेबल लेनी है जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उस स्टडी टेबल पे वो बच्चा अपना आराम से लिख सकता है जिससे उसको आगे की तरफ ज़्यादा झुकना नहीं कर पड़ता है, जिससे उसके बैक में पेन होने का सवाल ही नहीं उठता। तो स्टडी टेबल के साथ अगर आपको तब भी लगता है कि वो ऊंची पड़ रही है तो आप जो है सोफे के जो कुशन्स होते हैं या फिर जो आपके किसी भी पिलो को लेके आप उसको यूज कर सकती हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो। पर बच्चे को जो है पढ़ाई के टाइम उसको बैठने में जरा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और लिखने में उसको बहुत ज्यादा झुकना भी ना पड़े। ऐसी जगह सिचुएशन आप क्रिएट करें, ऐसा ही एटमॉस्फेयर आप बनाएं, जगह शांत हो जहां भी हम बैठे हों और उसको बैठने में पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो वो भी एंड आप भी। अगर आप भी नहीं है तो आप भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों लोगों को कंसंट्रेट होना बहुत जरूरी है। तो आप, मेरा तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को जमीन पे बैठ के स्टडी मत कराइए, अगर कराते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ कराइए और उसको एक शांत प्लेस में कराइए। बच्चे को स्टडी आप तभी कराएं जब आपके पास टाइम हो, आप कंसंट्रेट कर सकें, उस टाइम ही आपको स्टडी कराएं। ऐसा ना हो कि आप बच्चे को पढ़ाने बिठा रहे हैं और बीच बीच में उठ के आप अपना किचन वर्क भी देख रहे हैं या फिर अदर वर्क कर रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको उनके साथ ही बैठना है। जितने टाइम वो पढ़ रहा है उतने टाइम आपको अपने मोबाइल को भी किनारे कर देना है, उनके प्रति फुल डेडिकेट होकर बैठना है, तभी वो अच्छे से पढ़ाई में मन लगाते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। ये है कि अगर आपके दो बच्चे हैं
तो आप उनको एक साथ मत बिठाइए, एक थोड़ा सा गैप दे के बिठाइए, एक को अपने इस तरफ बिठाइए, एक को अपने उस तरफ बिठाइए, ताकि वो एक दूसरे के जो लिख रहे हैं या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें ताका जाकी ना कर सकें, डिस्कस ना कर सकें, और एक दूसरे से वो बार बार पूछना, भैया आप क्या लिख रहे हो, कितना हो गया, कितना बचा, या दीदी आप क्या काम कर रही हो, अभी कितना बचा, जल्दी कर लो, फिर खेलते हैं, ऐसे मतलब किसी भी तरीके की इस तरीके की बातें ना होने पाए। वो जो भी पढ़ाई करें अपना कंसेंट्रेट होकर पढ़ाए, इसके लिए उन्हें थोड़ा सा दूरी बना के बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस तरीके से उनको थोड़ा सा गैप दे के बिठाइए और दोनों पे ही आप कंसंट्रेट करिए। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि बच्चों को जब भी आप पढ़ाते बिठाते हैं तो आप एक साथ उनको मत बताइए कि आज हम इस फोर फोर सब्जेक्ट या फाइव फाइव या सिक्स सिक्स सब्जेक्ट हमको लर्न करना है, या फिर हमें डिस्कस करना है, या आपको लिखना है, या आपको राइटिंग भी करनी है, आपको टेबल भी लर्न करना है, आपको मतलब इस तरीके से आपको बहुत सारे वर्ब के बारे में बच्चों से तुरंत ही डिस्कस नहीं करना है, बहुत सारी कॉपी किताबें उन्हें नहीं फैलानी है, क्योंकि अगर आप इतनी सारी कॉपी किताबें फैला के बैठते हैं तो पहले ही वो इतनी सारी कॉपी किताबें फैली हुई देख लेते हैं तो उनका पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, वो पहले से बोरियत फील हो जाती है उनको, और वो जो एक इंटरेस्टिंग पढ़ाई का एटमॉस्फेयर बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही माइंड मेकअप कर लिया है कि ओ माय गॉड इतना सारा पढ़ना है, तो वो पहले से ही इनएक्टिव हो जाता है, पहले से ही उनको बहुत प्रेशर लगने लगता है। सो आप इस तरीके से उनके डिस्कस मत करिए, उनके सामने ऐसे साथ ज्यादा मत, आप उनको एक एक सब्जेक्ट के बारे में आराम आराम से पढ़ाइए, तो उन्हें भी नहीं लगता है कि हमें आगे कितना पढ़ना है या कितना नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ते हैं वो सीक्वेंस से पढ़ते जाते हैं, और आपको जितना भी पढ़ते हैं वो कंसंट्रेट होके पढ़ते हैं, इस चीज का हमको बहुत ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ ये आ जाती है कि बच्चों को जब पढ़ाई कराने में बिठाते ना, उन्हें भूख लग जाती है, उन्हें प्यास भी लगती है, उन्हें सुसु पॉटी आती है, उन्हें कभी पेन शुरू हो जाता है कहीं भी बॉडी में, तो इस तरीके की प्रॉब्लम मेरे भी बच्चे के साथ आती है, आपके बच्चे के साथ नहीं, मैं तो मेरे बच्चे के साथ भी आती है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको, तो सबसे पहले मैं जब पढ़ाने बिठाने वाली होती हूँ तो उसके पहले मैं उससे कहती हूँ कि आप जाइए सुसु पॉटी जो भी आपको करना हो आप करके आइए। उसके बाद पानी की बॉटल मैं अपने पास रखती हूँ एक, और वैसे तो मैं पानी वगैरह और खाना ये सभी चीजें आप बच्चों को खिलाने के बाद ही आप पढ़ाने बिठाएंगे, और जब वो खाना वगैरह या फिर उसको भूख नहीं लगी होती, खाना खा चुका होता है, उसके बाद अगर आप शाम के टाइम स्टडी कराती हैं तो आप स्नैक्स और टी वगैरह आप दे ही चुकी होती हैं, उसके बाद आप उसको पढ़ाने बिठा रही हैं तो एटलीस्ट वो खाने के लिए तो नहीं कहेगा। फिर आप बात रही प्यास की, तो चलिए ठीक है आपने एक बॉटल करके रख ली, पर उसको हिलने नहीं देना, यानी वहां उठने नहीं देना है कि ठीक है बेटा आप जाइए, 10 मिनट उन्होंने सुसु पॉटी में वेस्ट किया या फिर उन्होंने खाने पीने में वेस्ट कर दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है आपको, बच्चों के तुम्हारे में मालूम ही है ना कि उन्हें कुछ ना कुछ तो बनाने ही बहाने, तो आपको ऐसा करना है कि ये सारी चीजों की भी पूरी जिम्मेदारी के साथ इन्हें भी हैंडल करना है, और पहले ही उन्हें इन सब चीजों के लिए क्लियर कर दीजिए, इसके बाद आप पढ़ाने बिठाइए, देखिए कितने आराम से पढ़ने बैठते हैं, कोई बहाना ही नहीं चलेगा। फ्रेंड्स मेरे लास्ट पॉइंट ये है कि जब बहुत लोग इससे बच्चे दो हैं तो उनकी एज ऑफ डिफरेंस रहता है, कुछ बच्चे जैसे मतलब एक बच्चा आपका बड़ा है और एक बच्चा काफी छोटा है, तो आपके छोटे बच्चे का वर्क जल्दी हो गया और बड़ा बैठा है, या फिर बड़े का हो गया जल्दी, उसने बड़ा है एटलीस्ट उसने जल्दी ही जल्दी वर्क कर लिया, तो इस केस में उसका वर्क तो फिनिश हो गया। अभी उसने कहा मम्मा मेरी पढ़ाई हो गई, अब आप उससे अगर कहती हैं कि अगर वो पूछता है मम्मा मैं अब जा सकता हूँ, तो आप अगर कहती हैं कि आप ठीक आप चाहिए, तो जो दूसरा स्टडी कर रहा है वो फिर कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ता, उसको लगता है कि उसका जल्दी वर्क हो गया वो तो चला गया, मेरा तो पता नहीं कब फिनिश होगा, तो मतलब वो मन नहीं लगाता है, फिर तो गंदी राइटिंग करता है, गंदी तरीके से लिखता है, या फिर लर्न करने में भी वो बहुत बहानेबाजी करता है, उसको यही लगता है कि हमें भी मम्मा छोड़ दे। तो आपका जो एक बच्चे का वर्क फिनिश होता है तो उस टाइम आप क्या कर सकती हैं, उस टाइम आपको उसे रिलीज नहीं करना, उसे फ्री नहीं करना है, उसको आपको जैसे आप ड्राइंग बनाने के लिए दे सकती हैं, या फिर आपने अदर कोई वर्क उसको दिया जो भी आपको मतलब आप चाहें, तो आपको इस तरीके से उसे इंगेज ही रखना है उतने टाइम तक जितने टाइम तक आपको दूसरा बच्चा इंगेज है, फ्री नहीं करना है। इससे क्या होता है कि दोनों को ही पता है कि हमें इतने टाइम तक तो बैठना ही बैठना है, मम्मा फ्री नहीं करने वाली है, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये आज मेरा आज का वीडियो था,
और आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और मैं इसी तरीके की आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाती रहती हूँ। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर करिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आते मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।